इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां वजीरगंज थाना क्षेत्र के सीजीएम कोर्ट परिसर में घुसे 10-12 लोगों ने बम से लखनऊ बार एसोसिएशन के पदाधिकारी संजीव लोधी पर हमला किया है। जी हां, लखनऊ गुरुवार को जिला न्यायालय में उस वक्त भगदड़ मच गई जब लखनऊ बार एसोसिएशन के पदाधिकारी संजीव लोधी पर देसी बम से हमला किया गया। हमले में संजीव लोधी बुरी तरह घायल हुए, जबकि कई वकील के घायल होने की सूचना है। वारदात के बाद ही हमलावर फरार हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जांच शुरू कर दी है। पुलिस को मौके से 3 देसी बम भी जिंदा बरामद हुए हैं। भैया क्या हुआ था आज? करीब हम लोग 11 बजे कोर्ट आए हैं और मैं मौके पे मौजूद था। यहाँ एक संजू लोधी के दरवाजे पे खड़ा था, चैम्बर पे, चैम्बर के सामने, जूनियर, और मैं उनका जूनियर हूँ। उतने में एजाज अहमद, आजम खान और 3-4 अज्ञात लोग इधर से आए गेट नंबर 3 की तरफ से, और करीब 5-6 लोग इधर से आते हैं 4 नंबर गेट से। इधर से अचानक बम फेंकना शुरू कर देते हैं, सुतली बम था क्या था, और इधर से 4 नंबर गेट की तरफ से भी आते हैं कुछ लोग, जिसमें से 3 बम फटे हैं यहाँ पे, 3 फटे हैं और करीब 8 से 10 बम यहाँ पे फेंके गए, और जिससे जो है हमारे संजीव लोधी जी के सर पे चोट आई जिससे फेंका गया बम, और प्रमोद लोधी जिनके पैर के पास बम लगा, और 4-5 लोग मुझे पकड़ा जो कि पिस्टल लिए हुए थे, पिस्टल लिए और करीब 3-4 लोग भागे। करीब अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन 8-10 दो लोग वकील हैं और सब विवाद कल किसी बात को लेकर के हुआ था, लेकिन अब यह शिकायत की गई, लेकिन महामंत्री दबाव बना रहे थे वहाँ से, किसी जो है कार्यकारिणी यहाँ के जो है जो अधिकारी हैं उन पे जो किसी प्रकार का लेकर के डीजे के बम लेके आया है, तो सर पे बम मारा है, उसको लेकर के बात हो रही है। बच गया बम पे हमने में। अभी हालत कैसी है उनकी जिनको बम लगाया जिन, अभी तो हालत ठीक है, अगर वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता तो शायद जान जा सकते। सर के ऊपर आकर के सीधे बम पड़ा। मेरा श्याम सुंदर लोधी एडवोकेट, मैं जूनियर हूँ संजीव लोधी का। 3 लोग मुझे पकड़े हुए थे और पिस्टल लेके आए हुए थे इधर से, लोग घायल हुए हैं, करीब 4 लोग घायल हुए हैं, पिस्टल 2 लोग के पास पिस्टल थी।